मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा, गोवर्धन की दे परिक्रमा, गोवर्धन की दे परिक्रमा। ओ रंग जी में सोने का खंबा, रंग जी में सोने का खंबा। और गिरिराज की परिक्रमा के बाद देखो बरसाना, देखो बरसाना और नंदगांव राधे राधे गाए, देखो बरसाना और नंदगांव राधे राधे गाए, तुमने को बरसाना और नंदगांव राधे राधे गाए, देखो बरसाना और नंदगांव राधे राधे गाए। जमुना देवी स्नान करो, परिक्रमा भी दे लो गिरिराज की, बरसाना आनंद का घूम आओ, खूब आनंद करो। लेकिन सबसे बाद में ये तो तुम घूमोगे, लेकिन ये तुम्हारे मन में कब बसेंगे? ये तुम्हारा केवल घूमने का स्थान ना रह जाए, उसके लिए पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो। प्यारे बरसाने की देखन ओली, लो आई रसिकन की टोली, पर खाली इतने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा रसिकन से बतियाए लीजो। जो बूढ़े बूढ़े साधु बूढ़े बूढ़े संत ब्रजवासी वहां बैठे हैं, कभी उनके पास कुछ पल के लिए बैठ जाना, वो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, जो अब लुप्त होता जा रहा है, जो भाव जो प्रेम कहाँ छुप गए, भाव प्रेम के सूना हुआ संसार, वो जब तक इन संतों के पास, लेकिन बोलना कुछ नहीं है, इनके पास बैठकर बोलना नहीं है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि ब्रज में आना तो जो बोलते हैं उनसे बात मत करना, और जो नहीं बोलते उनसे बात करना। ये संत जब बोले, आजकल के बच्चे तो इतने एडवांस है कि हर बात पे बहस शुरू हो जाती है, ये क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों। पहले गुरुजन जो कह देते थे भक्त उसी राह पर शिष्य चल पड़ता था। हमारे नवदीप धाम में बड़े बाबा हुए हैं तो उनके साथ एक कुकर रहता था, कुतिया जिसको हम लोग कुत्ता बोलते हैं, वो एकादशी का व्रत रखती, कह दो राधे राधे, रोज संध्या आरती करती, सुबह आरती पे आती और बाबा के पीछे पीछे डोलती। एक दिन उसके जीवन यात्रा खत्म हो गई, मुक्ति हो गई। बाबा ने क्या किया, बाबा कहने लगे ये बड़ी वैष्णव थी, भक्त थी, देखो एकादशी का व्रत भी करती थी, संध्या आरती भी करती थी, अब इसके लिए एक पंगत रखी जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, बोले जाओ आसपास के जितने भी कुत्ते हैं उनको निमंत्रण देकर आओ। अब आजकल के बच्चे होते हैं ये कैसे होगा, वो कैसे हो सकता है, लेकिन शिष्य भी वही जो गुरुदेव ने कह दिया सत्य है। वो एक एक कुकर के पास गए और निताई गौर की ध्वनि करते हुए उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि फिलानी फलानी दासी इसका गमन को जान गमन वृंदा धाम को जाना हो गया है, आप आइए, आपकी पंगत है, आपको बाबा ने याद किया है। अब जितने भी साधु थे वो सोच रहे थे बताओ ये कैसी लीला है, कल जाके देखे कुत्ते भी क्या पंगत पे आए। लेकिन अगले दिन जाकर देखा तो बाबा ने एक एक पत्थर लगाया, जैसे जैसे पंगत लगाई वैसे वैसे एक एक कुत्ता आता गया और उस स्थान पर बैठ कर पूछा,
समय था। अब तो तर्क भी तर्क इतना है, इसीलिए कहते जो बोलते हैं उनसे बात मत करो। हम साधु के पास जाते हैं पहले अपने अनुभव बताने लग जाते हैं, उनकी तो सुनते ही नहीं है, सुनने का हमारे पास समय भी कहाँ है। पहले हम अपना प्रभाव तो डालें कि देखो हम कितने बड़े भगत हैं, आप हमारी सुनो हमारे साथ क्या हुआ। उनकी सुनो और मौन रहो, उसके बाद जाओ ब्रज की लता पता में, उनके पास थोड़ी देर में जो तुमसे बात करना चाहते हैं तब बात बनेगी, वरना तो आना जाना लगा ही हुआ है। हमारे वृंदावन में कोई भीड़ कम थोड़ी ना है, कहीं से कम भीड़ बहुत है, पर लाखों में किसी एक को चुनते हैं और अंदर की आवाज को सुनते हैं। बिहारी जी वही है, आपको 500 साल पहले मीरा जी जी आई, ताज बेगम आई, रसखान जी आए, जितने भी भक्त आए 500 साल पहले की बात, पर बिहारी जी तो वही है। कमी तो चाहने वालों की है प्यारे, इसीलिए सब जगह आनंद लेने के बाद किसी संत के पास बैठ जाओ। पागल का पागल बन देखो, पागल का पागल बन देखो, संत जन कृपा करेंगे तब इन हरि चरणन में तन मन दे दो, हरि चरणन में तन मन दे दो, पागल का पागल पन देखो, हरि चरणन में तन मन दे दो। फिर उसके बाद दोनों हाथ उठा के इसी वृंदावन में इन्हीं बिहारी जी के अंदर तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, ओ तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे, ओ राधे राधे बस इतना कहना, हो जहाँ भी रहना
राधे 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 राधे